सड़क सुरक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? हमारी जो सुरक्षा है ना सड़क पर ही करनी है हमने, घर पर कोई दिक्कत नहीं है हमें। बाइक चलाते समय, कार चलाते समय, ऑल्टो चलाते समय और टुक-टुक चलाते समय या पैदल चलते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मोटा मोटा आप लोगों को एक जानकारी देना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक, तो आप सभी लोग जो धीरे से या जोर से जैसा भी लगता है आपको, आप सुनने का प्रयास करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग, हमारे घरों में बच्चे हैं और हमारे घरों में टू व्हीलर हैं और फोर व्हीलर हैं और हम लोग हैं, हम अपने लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं और उस गाड़ी की चाबी रख देते हैं घर पे। ठीक, हम आ जाते हैं अपने काम करने के लिए यहाँ पे, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो चाबी निकाल के कहाँ ले जा रहा है कुछ नहीं पता हमें। तो आपको सबसे पहले अपने बच्चों पे ध्यान रखना है कि वो चाबी ऐसी जगह रखें आप गाड़ी की, टू व्हीलर फोर व्हीलर की, जब तक वो 18 साल का ना हो तब तक आप उसको चाबी ना दें। उससे नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाएगा तो 25,000 का जुर्माना हो जाएगा आपके खिलाफ, आपके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हो सकता है, FIR हो सकती है। बहुत कड़ा कानून बन चुका है मोटर व्हीकल एक्ट में और सबसे छोटा चालान ही 500 रुपये से है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों के जेब से, हम लोगों के जेब से ऐसा 500 रुपये कम से कम निकले। आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे, निश्चित रूप से आपका पैसा बच जाएगा। उस 500 रुपये से आपका कम से कम 10 दिन चूल्हा जलेगा घर में, काम का 10 दिन खाना खाएंगे आप 500 रुपये। तो हम नहीं चाहते डायरेक्टली कि आपका चालान हो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ काम करने होंगे, जैसे अपनी जो गाड़ी है उसमें प्रॉपर कागज़ रखने होंगे, अपने गाड़ी का मेंटेनेंस करना होगा, फिटनेस बनानी होगी, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना होगा, अपने पास DL रखना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं चलानी होगी, जब तक गाड़ी का लाइसेंस नहीं बनता है तब तक नहीं चलानी है। दूसरी चीज़, आपके घरों में, सभी के घरों में मोटरसाइकिलें होंगी, सभी के घरों में, मोस्टली सभी के घर पे मोटरसाइकिल होंगी। मोटरसाइकिलों को किसी भी व्यक्ति को जो आप नहीं जानते हैं उसको नहीं देना है, जानते हैं उसको भी कारण बताना है कि भाई तू क्यों ले जा रहा है, कहाँ ले जाएगा, किस काम से ले जाएगा, ठीक है ना, और तेरा क्या DL है या नहीं है।